नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों आज की जो वीडियो में हम बात करने वाले हैं, ये जो DT+B जो है दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, इसके द्वारा हाल ही में जो 5 महत्वपूर्ण नोटिस जारी किए गए हैं, और अगर आप इन 5 के 5 नोटिस को देखना चाहते हैं तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो घंटी वाला आइकन है इसे दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपका हमारे आने वाले जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। तो इस समय जब ये जो DT+B जो है इनकी मेन जो वेबसाइट है हम इस पर हैं, और इसे जो आप सर्च करके इनकी वेबसाइट पर आ सकते हैं DT+B.Delhi.gov.in, इसे सर्च करके आप इनकी वेबसाइट पर आ सकते हैं, या फिर इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप इनकी वेबसाइट पर आ सकते हैं। तो जैसे ही आप इनकी वेबसाइट पर आओगे तो यहाँ पर आपको जो है 5 महत्वपूर्ण नोटिस दिखाई देंगे लेटेस्ट रिजल्ट में। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो है यहाँ पर 5 जो नोटिस है जो है ये हाल ही में जारी हुए हैं। तो पहला जो यहाँ पर नोटिस है ये आपका रिजेक्शन नोटिस है, 1469 टेक्निकल असिस्टेंट प्लास्टिक अंडर पोस्ट कोड है 11/21 में। उसके बाद जो दूसरा नोटिस आया ये आपका रिजल्ट नोटिस है, टेक्निकल असिस्टेंट प्लास्टिक में अंडर पोस्ट कोड है 11/21। तीसरा जो नोटिस है ये रिजेक्शन नोटिस है टेक्निकल असिस्टेंट, और ये आपका कंट्रोलर में है, कोड रहेगा आपका 10/21। उसके बाद जो चौथा जो यहाँ पर नोटिस है ये रिजल्ट नोटिस है टेक्निकल असिस्टेंट वालों के लिए ही, और पोस्ट कोड है इनका 10/21। उसके बाद जो यहाँ पर पांचवा नोटिस है ये रहेगा आपका कैंडिडेट कैंसिलेशन का, तो यहाँ पर एक कैंडिडेट जो है इसका एक कैंसिले जो है कैंडिडेचर जो रिजेक्ट कर दिया गया है, पोस्ट है यहाँ पर इनकी ये ग्रेड 4 की असिस्टेंट में, और पोस्ट कोड 20/18। तो ये जो हाल ही में 5 महत्वपूर्ण नोटिस DT+B की तरफ से जारी किए गए हैं, हो सकता है इनमें से कोई नोटिस आपके लिए ना हो, या इसके बीच अगर कोई नया नोटिस आ जाता है तो इसके बाद हम उन्हें भी देखेंगे, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो हम यहाँ पर पहले वाला जो हमारा नोटिस है हम इसे देख लेते हैं। तो ये जो आपका यहाँ पर पहला जो महत्वपूर्ण नोटिस ये आ चुका है, ये आपका रिजेक्शन नोटिस है 1449 टेक्निकल असिस्टेंट में, और इसमें देख सकते हैं आप रिजेक्ट क्यों हुआ है टेक्निकल असिस्टेंट में। तो डिड नॉट अपलोड दी डोसर विद इन स्प्लिट टाइम, तो जब यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला जाता है तो अब आपने डॉक्यूमेंट आप जरूर अपलोड किया जाएगा। अगर आपको ये जो है नहीं पता लगता है कि किस तरीके से अपलोड होते हैं तो आप हमारी जो है यहाँ पर पहले वाली जो वीडियो है उसे देख सकते हैं, और डॉक्यूमेंट जो अपलोड वहाँ पर होते हैं जैसे आपने फॉर्म को फिल किया था ईडोसर पर, तो उसी में जो है लॉगिन करके आपका ईडोसर का जो एक लिंक आता है तो उसी में जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। तो इस कैंडिडेट जो है ये रोल नंबर है, उसके द्वारा जो है जिस डेट में डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए मैसेज आया था तो उसमें इनके द्वारा डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए गए हैं, तो इस कारण से यहाँ पर इनका कैंडिडेचर जो है रिजेक्ट किया गया है। तो ये हमारे यहाँ पर पहला नोटिस था। तो अब जब हमारा जो यहाँ पर दूसरा जो महत्वपूर्ण नोटिस हम इस पर आ चुके हैं, और ये आपका रिजल्ट नोटिस है टेक्निकल असिस्टेंट प्लास्टिक में, और ये पहले में आपकी यहाँ पर पोस्ट दिखाई गई है, 2 यहाँ पर वैकेंसी थी, ये UR केयर 1 और OBC की, और 76 कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था। यहाँ पर अपने मार्क्स देखना चाहते हैं तो ये इसका लिंक है, इसे सर्च करके भी आप जाए इनकी वेबसाइट पर जा सकते हैं, या फिर जैसे आपने फॉर्म को फिल किया था तो वैसे ही आप इसको भी देख सकते हैं। ऊपर की साइड में जाए यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन हैं, तो वहाँ पर जाकर आप अपने मार्क्स वगैरह चेक कर सकते हैं। नंबर 3 में जा रहेगा यहाँ पर, ये इसमें से भी 10 कैंडिडेट्स थे जो यहाँ पर क्वालिफाई हुए थे, तो ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो यहाँ पर ये प्रयोजनीय तौर पर नॉमिनेट हुए हैं,
तो यहाँ पर ये प्रोविजनली तौर पर सिलेक्ट हुए हैं दो कैंडिडेट, यूआर का एक और ओबीसी का एक। तो ये रोल नंबर है इनके और इनके पीछे स्टार लगा हुआ है, तो ये आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो इनके यहाँ पर मार्क्स वगैरह भी दिखाए गए होंगे तो वो भी देख लेते हैं। तो ये इनके यहाँ पर मार्क्स आ चुके हैं, मार्क्स ऑफ लास्ट प्रोविजन नॉमिनेट कैंडिडेट इन ईच कैटेगरी, ये आपके ऊपर कैटेगरी है यू आर ओ बी सी, और मार्क्स रहेंगे ये 200 में से। तो यू आर जो है इसके रहेंगे 105.75 और ओ बी सी के हैं 97.50। उसके बाद जो यहाँ पर कुछ वेटिंग पैनल लिस्ट भी दिखाई गई है, तो इसमें भी जो आपके देख सकते हैं यू आर का एक है कैंडिडेट और ओ बी सी का भी एक कैंडिडेट है। इनके कट ऑफ मार्क्स रहेंगे 104.50 और ओ बी सी के हैं 93.25, ये आप देख सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर दूसरा नोटिस था, और ये जो वेटिंग पैनलिस्ट जो है ये 27/4/2023 तक वैलिड रहेगी। तो अब जब हमारा जो यहाँ पर तीसरा जो महत्वपूर्ण नोटिस हम इस पर आ चुके हैं, और ये रिजेक्शन नोटिस है टेक्निकल असिस्टेंट में ही, और क्यों यहाँ पर रिजेक्ट हुआ है तो ये रीज़न यहाँ पर दिखाया गया है। ये रोल नंबर है 3 और ये इनके रिमार्क्स है, इन्होंने जो है जिस डेट में डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला था तो इसमें डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए हैं। डी टी प्लस भी जो है इसकी तरफ से 2 बार जो है चांस दिए जाते हैं डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए, और दोनों ही बार ईमेल या फिर एसएमएस जो है ज़रूर आता है, या फिर अगर आपको नहीं पता लगता है तो आप हमारी जो वीडियो है उनको नियमित तौर पर जो है देखा करें, तो इससे भी आपको जो है जो भी नोटिस आता है इसके बारे में पता लगता रहेगा। तो ये हमारे यहाँ पर तीसरा जो महत्वपूर्ण नोटिस था। तो अब जब हमारा जो यहाँ पर चौथा जो महत्वपूर्ण नोटिस जारी हुआ है हम इस पर आ चुके हैं, और ये टेक्निकल असिस्टेंट वालों के लिए है और कोड रहेगा 10/21। तो पहला जो यहाँ पर इसमें आपकी वैकेंसी दिखाई गई है, तो यहाँ पर वैकेंसी थी एससी की एक और एसटी की एक, और ये एग्ज़ाम था आपका 17/11/21 को। 52 कैंडिडेट थे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था। ये अपने मार्क्स देखना चाहते हैं तो ओ आर एस पर जाकर देख सकते हैं, जैसे आपने जो फॉर्म फिल किया था ओ आर एस पर तो वैसे ही जो आप यहाँ पर लॉगिन वगैरह करके अपने मार्क्स ऊपर जो चेक कर सकते हैं। उसके बाद इनमें से भी 9 कैंडिडेट जो है यहाँ पर ये क्वालिफाई हुए हैं, तो ये देख सकते हैं। और उसके बाद भी यहाँ पर इनमें से भी 2 कैंडिडेट जो है ये प्रोविजनल तौर पर नॉमिनेट हुए हैं, एससी का एक कैंडिडेट है और एसटी का भी एक कैंडिडेट है, ये आप देख सकते हैं। और इनके मार्क्स भी दिखाए गए होंगे तो वो भी चेक कर लेते हैं। ये इनके मार्क्स यहाँ पर आ चुके हैं कैटेगरी, और ये मार्क्स हैं 200 में से एससी के रहेंगे 83.25 और एसटी के हैं 91.75। वेटिंग पैनलिस्ट भी यहाँ पर दिखाई गई है, और इसमें भी देख सकते हैं एससी का एक है और एसटी का एक है। इनके मार्क्स रहेंगे 76.75 और एस टी के हैं 90.50। तो यह जो हमारा यहाँ पर चौथा महत्वपूर्ण नोटिस था। तो अब जो हम हमारा यहाँ पर पांचवा जो महत्वपूर्ण नोटिस है हम इस पर आ चुके हैं, और ये देख सकते हैं यहाँ पर ये कैंसिलेशन के लिए आया है, आप इसे पढ़ सकते हैं। और ये यहाँ पर नाम है इंद्रजीत ओबीसी, फादर नेम रोल नंबर एड्रेस, रिमार्क्स है, स्टेटस ऑफ द कैंडिडेट है। और ये यहाँ पर डिबार्ड हुए हैं, तो ये आप देख सकते हैं। तो ये जो हाल ही में 5 महत्वपूर्ण नोटिस जारी हुए हैं, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, इस प्रकार की जो महत्वपूर्ण अपडेट है उसे सबसे पहले पाने के लिए, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।